बाल काप के चौधरी होने जी आठ गामा में हुक्का पानी बंद कर रखा है जी। आठ गामा में जी। हमने यू बेरा कौन था जी, मारे गले या भी बनेगी यू तो टाइम तक जमा बेरे नहीं। भगवान ने कुकर मारी कढ़ाई चढ़ाई है कि मारे कोई मनुष्य न मारन खतर चढ़ाई। बस मरने के लिए मारा पता जी ना तो कुछ चीज देंदा जी, दुकानदारा बजावा दुकानदार नहीं देंदा जी, दूध भी के करदा जी, दूध टवा दिया जी महाराज जी। मनु भी नहीं पूछा था अगले के बनी री मा तो मेरे घर नहीं आ जा कोई मारे घर में पैर नहीं धर के देखे। यानी कि आपका बेटा खुद आपको भी नहीं लेने आया। बेटा क बहू क पोता क पोता की बहू हमने न्यू भी नहीं जान दी भाई मर रही है मरेगी जी खुद पे लाए देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैथल जिले का गांव चौसाड़ा इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। कैप्शन आपने पढ़ी लिया है कि इस पूरे परिवार का, इस घर का जो मेरे पीछे आप ये राम मेर सनोप श्री खुजान सिंह का जो मकान है, ये मकान आप देख भी सकते हैं भाई, इस परिवार का खा पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। साथियों, पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे, उस परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन खुद आप सोच सकते हैं उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस परिवार के साथ करीबन चौसाड़ा गांव में 4000 वोट हैं भाई। इतना बड़ा ये गांव है, लगभग करीबन 3.5 से 4 हज़ार वोटों का ये गांव है और बड़े गांव में एक बड़ा फरमान सुना गया खा पंचायत की तरफ से। एक बड़ा फरमान यह है कि इस परिवार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, इस परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, इस परिवार को कोई भी जो दुकानदार है कोई भी सामान नहीं देगा। इस प्रकार से जो खा पंचायत ने एक बड़ा जो फरमान सुनाया है उसी की जांच के लिए हमारी टीम यहां पर पहुंची है कि आखिरकार क्यों इतना जो बड़ा फैसला सुना। साथियों, आपने फिल्म देखी होगी बुलंदी रजनीकांत और अनिल कपूर की, जिस फिल्म में रजनीकांत एक बड़ा फैसला सुनाते पंचायती तौर पर कि इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये होता है कि जिस परिवार के ऊपर फैसला सुना जाता है उस परिवार के साथ गांव के कोई भी व्यक्ति बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। भाई, सच या झूठ है, परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, परिवार ने ऐसा क्या कसूर किया था या नहीं किया है? भाई, परिवार ने कई दिन हो गए घर में ही छिपे बैठे हैं, रोटी तक नहीं खा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, क्यों है उसकी भी जो जानकारी हुआ अपने मिल भी गई। एक बार परिवार है राम मेर का, एक बार उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई देखो, मानस मरे पर का दर्द हुआ है यानी कि स्वाभिमान हो भी जीवन में, मृत्यु आसानी से आ जाए है, लेकिन इस प्रकार की यदि घटना किसी के साथ में जो हो जाती है तो बहुत दुख होता है। भाई आ जाओ एक बार। तो भैया राम मेर भाई है भाई, जो लगातार मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी जो सोशल जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही, यही वो परिवार है। राम 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 मेर भाई। राम राम भाई, ग्राउंड मीडिया की ओर से मेरे परिवार के ओर से आपको मेरे दुख में शामिल होने आए उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, देखो भाई, कागज हाथ में उठा रहा पूरे का पूरा परिवार, पूरी जो बात है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो राम मेर भाई से पूछ ले, राम मेर भाई, सुनन माई थी खा पंचायत ने फरमान जारी किया है कि भाई परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कर दिया जी। जी जो महाराज जी हुक्का पानी बाड़ू खाप ने, बाड़ू खाप के चौधरी होने जी आठ गामा में हुक्का पानी बंद कर रखा है जी। आठ गामा में जी। देख लो भाई, मैंने तो खर एक गांव सुनी थी लेकिन खुद राम मेर भाई बता हुआ है आठ गांव, यानी कि बाड़ू खाप है, बाड़ू खाप के प्रधान ने और जो भी जो पंचायत में जो शामिल थे उन्होंने मिलकर के ये फरमान जारी किया है कि आठ गांव के लोग इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, आठ गांव के लोग इनके साथ लेन देन नहीं करेंगे किसी प्रकार। देखो भाई, आज जो बीत रही है इस परिवार के ऊपर बीत रही है। भाई मानता हूं मैं खा पंचायतों का अपना एक अस्तित्व होता है, लेकिन देश के अंदर न्याय व्यवस्था होती है, संविधान होता है, कानून प्रक्रिया पर ही सब चलते हैं और हम जो सभी हैं कोर्ट और संविधान के ऊपर ही अपना जो विश्वास है वो रखते हैं। राम मेर भाई, क्या कारण था, खा पंचायत ने क्या कारण बताया कि भाई हम इनका हुक्का पानी बंद कर रहे हैं? मैंने जी 2017 में, फरवरी 2017 में जी 2 एकड़ जमीन खरीदी थी जी, जो एक किला मेरी पत्नी के नाम है और एक किला मेरी बहन के नाम है जी। वो एक किले के पैसे का इंतजाम मेरी बहन ने किया था और एक काम मैंने किया था जी। हमारे उसके पास जी सारे जी रजिस्ट्री भी है जी, इंतकाल भी है जी, नहरी गरदौरी भी है जी, खेत में कनेक्शन है जी, सभी चीजें हैं जी जिसके पास। उसी दिन से 2017 से जी हमारा खेत पर कब्जा है जी। तो जी
अब मतलब मनीष की मृत्यु मतलब रजिस्ट्री कराने के 10 महीने बाद दिसंबर 2017 में होगी जी। वह उसकी माँ की, उसकी माँ जो हमारे साथ पैसे में लेन देन में शामिल थी, उसकी मृत्यु जी 2021 में हो चुकी है। अब जब उनकी उस मनीष की जो जिससे हमने जमीन ली थी उसकी मृत्यु होगी, उसकी माँ की मृत्यु होगी, अब मनीष का साला जी जो पुलिस में है जी, पुलिस ड्राइवर है, कैथड़ है जी, तो निवासी पेगा जी, तो वो पुलिस की दोस्त दिखा रहा जी, बहुत की दोस्त दिखा कर, और उसकी मनीष की पत्नी रीना जी मतलब बाबू को कर लोगों को न्यू गुमराह कर रहे हैं जी, भाई यू मनीष तो दारू दूरू पिया के उन्हें जमीन करवा ली, कोई पीसा नहीं दिया जी माता जी, ये तो बिना पीसे दिए धोखाधड़ी गला जमीन ले ली जी, ऐसे ऐसे बवंड रच करके लोगों को भावुक कर रहे हैं जी। तो जी मैं आप पत्रकारों के माध्यम से वो पूछता हूँ कि मगर हमने जमीन वैसे ली है मतलब धोखाधड़ी से जमीन ली है, जब मनीष जी ये करता जी, मनीष की माँ जी ये करती, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जी उनके मरने के बाद और रजिस्ट्री के 6-7 साल बाद, अब ये मुद्दा क्या सही है? ये मुद्दा जी सरासर गलत है जी, ये गैर कानूनी है जी। अगर इन्होंने जी जो ये सुखविंदर कह रहा है भाई षड्यंत्र, जो ये सुखविंदर षड्यंत्रकारी है और इसकी बहन रीना देवी जी, तो इन्होंने जी ये सुखविंदर खुद जी इसकी बहन के शादी के लिए और अब हरियाणा पुलिस में 2013 में जी भर्ती होने के लिए कई लाखों रुपए मनीष को मध्यम मनीष के साथ मध्यम कर अपने मुँह से लेकर जा रहा जी, कई लाखों रुपए जी खुद सुखविंदर सिपाही जी भर्ती होने के लिए जी। फिर जी ये ऐसे बवंडर बनाकर मतलब भाई मारे गला तो न्यू हो गया, मेरी बेबे गला तो न्यू हो गया, भाई इसके बच्चों का क्या होगा, भाई माँ तो वाह वाह कर ली, इसने तो हमारी जमीन वैसे हड़प ली, दारू दुरू प्या क्या करवा ली जी, ये बात कहकर जी इसने पंचायतों को भावुक कर रखा जी, बाड़ू खाप हो थुआ खाप की पंचायत बुला ली जी इसने जी, ओड़ा लोगों को बकाया बकाया गया भाई हमारी बेबे गला नहीं हो गया जी, क्यों वो जो मारा भाई मनीष था जी उसको पेगे बह रखा था जी, तो इसने उधर गुमराह करके लोगों को गुमराह करके पंचायत ले आया जी, यहाँ बाड़ू खाप की भी पंचायत हुई जी। तो पंचायत में जी मैं देख खाप पंचायतों के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं खाप पंचायतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन खापों के चौधरी जो खापों के चौधरी अपने कंधे पर रखकर जी गलत गलत फैसला सुनाते हैं, वो पक्षपात करते हैं जी, वो दोनों पक्षों की नहीं सुनते जी, एक पक्ष पर मत पंचायत में जी मैं बहुत रोया, मैंने अपना पक्ष बार बार रखना चाहा लेकिन मेरे पक्ष पे कोई हुआ नहीं, उधर से कोई नहीं पूछ रहा जी, उस दूसरे पक्ष से कोई नहीं पूछ रहा, मुझे डरा रहा धमका रहा, तेरा बीज मरागा, तेरा न्यू होगा, तने न्यू ले ली शराबी की मतलब रिश्ता दारू पिया गया जमीन ले ली, मैंने जी बार बार कहा कि मैंने पूरे पीछे देखा जमीन ली है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो बाद में जी मैंने जी अपने लड़के पर जी सर पर हाथ भी रखा जी, मैंने एक लौता लड़का जी मैंने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखकर कहा कि भाई मैंने पूरी यह जमीन पूरी ईमानदारी से पूरे पैसे देकर जमीन खरीद दी है जी। तो जी इन्होंने मेरी कोई मान्य नहीं करी जी, मुझे फिर डराया गया धमकाया गया जी, फिर मैं डर के मारे और पंचायत से जी उठकर चला आया जी, और मैं क्या करूं जी, जब इन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई जो फैसला हम कर देंगे करांगे भाई जमीन के बारे में, तो जी मतलब एक मेरा काका खड़िया हुआ था जी उस तो वो खड़िया हुआ बोलिया भाई कंडीशन लेके फैसला ना सुनाओ, फैसला पहला सुनाओ, भाई कंडीशन क्यों लाओ भाई कबूल करना पड़ेगा था हमने, तो जी उन्होंने मतलब उसको मेरे काका को भी मतलब बाड़ू खाप के चौधरी ने बैठ जा बोलिया तने कोई कुआ नहीं, वो भी जबरदस्ती बिठा दिया जी, तो इतना दबाव डाल रहा कि मारे को कोई सफाई देने का चांस नहीं मिल रहा था जी, पूरा पक्षपात किया जी खाप के चौधरी ने जी। तो जी फिर वहां से मैं हाथ जोड़कर मतलब अपना परेशान हो गया जी, दिमाग खराब होने वाली बात हो गई जी, मैं डर के मारे भाई मेरी जमीन को सेंगे, तो मैं यहां से उठकर चला आया जी हाथ जोड़कर पंचायत से जी। तो जी आने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया जी, भाई थुआ खाप के दबाव में आकर जी बोलिया भाई बाड़ू खाप ने जी भाई बाड़ू खाप के चौधरी ने बोलिया भाई इसका रामेर का 8 गामा में ओका इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, भाई सामाजिक बहिष्कार कर दिया जी मेरे 8 गामा में जी, क्या जमीन लेना गुनाह है जी, अगर नहीं है तो मेरा बहिष्कार क्यों जी। बिल्कुल देखो भाई मैंने को जी ऐसी क्या चीज करी थी जी, मैंने क्या डाका डाल लिया था जी, जमीन मोल ली है जी, सारा देश मोल ले हुआ जी, मैंने कोई लगाई छोरी का कोई काम करे, कोई कत्ल करे, कोई मर्डर करे, को मतलब मेरे को इतनी बड़ी सजा क्यों दी, आज तक जी किसी खाप ने मतलब अगर कोई पंचायत से चलकर उठकर चलाए तो आज तक किसी ने इतनी बड़ा सजा दी है जी, आज तक किसी भी खाप ने जी इतनी बड़ा सजा नहीं दी जो ये मेरे साथ अन्याय बाड़ू खाप के चौधरी ने मेरे साथ किया है जी। बिल्कुल देखो भाई सबसे जो बड़ी बात तो यह है
कि जो पंचायत जब फैसला सुनाती है, जब दोनों पक्ष को बोलती है कि आप दोनों संतुष्ट होंगे, यानी कि फैसला सुनाती है तो दोनों पक्ष यदि संतुष्ट होते हैं तो फैसला मान्य होता है, अन्यथा तो पंचायत कहती है भाई आप कानूनी प्रक्रिया से आप कोर्ट में अपना जो केस है वो लड़ सकते हैं। देखिए भाई खा पंचायत अच्छे अच्छे फैसले बहुत सारे सुनाती है भाई, इतिहास रहा है खा पंचायतों का भी, एक मर्यादा में रह करके काम करती है। लेकिन भाई इस प्रकार जो परिवार बताने लग रहा है कि जमीनी विवाद 2017 में इस भाई ने 2 किले खरीदे थे और बकायदा पैसे दिए थे उस जमीन के, लेकिन दूसरा पक्ष जहाँ तक जो बात सुनने में आ रही है कि वो बताने लग रहा है भाई जो एक पुलिस वाला है जो वो कह रहा है कि भाई धोखे से, देखो भाई जब जमीन ली होगी उस टाइम पर रजिस्ट्री भी हुई है, उस टाइम पर कोर्ट में जाकर न तहसीलदार के सामने बयान भी हुए होंगे, नंबरदार है जो गांव के वो भी गए होंगे, भाई अकेला आदमी का काम नहीं होता जमीन नाम करवाना। बावजूद उसके जो परिवार अब कहने लग रहा है कि भाई जब मैं वहां पंचायत से उठ करके आ गया तो उसके बाद पंचायत ने इस चीज़ का गैर मान्या, इस चीज़ का गुस्सा मान्या कि जो रामेर है वो पंचायत में चला गया पंचायत से। रामेर भाई जिस टाइम पर आपने जमीन नाम करवाई 2017 में, उस टाइम पर गांव के नंबरदार या कोई गवाहिया बीच में उसको सबूत, गांव के नंबरदार भी था गवाहिया भी था जी, और तहसीलदार के सामने जी बिल्कुल सही था जी, कोई दारू दूर नहीं पी रहा था, बिल्कुल सही सलामत था जी, मारा लेन देन था जी, मारा तो कोई चीज का पापो कौन था जी, आपस में जी लेने देने में जी आमोसी मोसियां गया जी। अगर वो पंचायत वाले कहे जी वो बाड़ू खाप के चौधरी ने कहा कि भाई बीच में कौन ले आ जी, आपस में जी हम सगे हैं जी, अगर उसने 50,000 की लोड पड़ गई, 1,00,000 की, 2,00,000 की लोड पड़ गई तो मैं नहीं कहूंगा भाई 2 आदमी ने बुला के ले आओ जी, आपस में जी लेना देना पर्दे के नीचे चला जी, और जी वैसे ही चल रहा था, मैं मोसी मोसियां कहते जी मारा तो कोई पाप नहीं था, इनका भी कोई पाप नहीं था, अब पता नहीं जी कई बुंड रचे जी ने, तो जी इन्होंने मुझे पंचायत से मतलब जो समाज से अलग करके जी, तो इसने इन्होंने जी जो खाप खाप के चौधरी थे 100 से 150 आदमी आगे साइन करवाए जी, अच्छा इनके लिख दिया भाई, इन्होंने कहा कि भाई रामेर का तो समाज की बहिष्कार कर दिया, हरम खाप वाले मतलब सुखविंदर सिपाही थे जी, भाई हम साग खाप वाले तेरा गल्ला भाई, तो जो जी चाहे तेरे वो कर, तो इन्होंने जी अपने अपने साइन करके जी 150-200 आदमी आने जी, और डीसी का भी अप्लीकेशन, डीसी का भी इधर हैं जी, एसपी का भी इधर हैं जी, तो जी इन्होंने हमारी इकोनॉमिक वो भी करवाई जी, जांच भी करवाई इकोनॉमिक सेल में जी, इतने साइन लगने के बाद जी इकोनॉमिक सेल में जी हमारी एसपी साहब ने जी पूरी की पूरी वित्त शाखा में जांच करवाई जी, तो जी लेकिन हमने वहाँ पर अपना सारा पीसी का लेन देन दिखा दिया जी महाराज जी, हमने जी तो 3-3.5 महीने चली जी मारी जान जी, 6 दिन दवाई दी ना 6/6/2023 में जी, 6 जून को जी जब ये मतलब मेरे साथ ये करने के हफ्ता बाद जी, तो जी मारी को डिस्ट्रिक्ट को तो ओके पाया गया जी, इसमें कोई फ्रॉड नहीं मिला जी, इनकी शिकायतों को झूठा गया जी, लेकिन खाप पंचायतों के जो मतलब लिखे हुए हैं जी उनका सभी जगह यही दिखा हुआ है जी, मतलब एसपी का भी, डीसी का भी, एसएचओ का भी, तो इस कारण मारी जी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, जहाँ भी जावा तो जी मारे रजिस्ट्री को तो ओके कर दिया, इनको खारिज कर दिया, तो मैं अब भी पूछता हूँ जी खाप पंचायतों ने जी मतलब उस गलत आदमी का तो भाई ये तो सही है, मतलब खाप पंचायत ये नहीं सोचती भाई अगर इस आदमी को तो हमने दोस्त मतलब सजा मिलन है, अगर ये पथरा से दोस्ती निकले निर्दोष पाया गया तब क्या होगा, तो जो दोषी जिसका साथ दे रहे हैं वो दोषी निकला, तो ये देखो जी पत्रकार मीडिया साहब आपसे मैं पूछता हूँ जी, मतलब आप हमारी रजिस्ट्री को तो ओके कर दिया जी, हमारी रजिस्ट्री को 3 महीने बाद ओके कर दिया जी, और लेकिन उनकी शिकायत को झूठा है, अब सच्चा कौन जी और झूठा कौन जी, तो समार हम तो सच्चे जी, हमारी रजिस्ट्री ओके है जी, हमारी रजिस्ट्री को तो ओके कर दिया गया, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, बिल्कुल सही रजिस्ट्री है जी, सही पैसे देकर रजिस्ट्री हुई हुई है जी, और अब उनकी शिकायत में जी फिर भी मतलब ये खाप पंचायतें जो सजा मुझे दी है नहीं उससे बड़ी सजा जी सुखविंदर और इसको मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल हाँ जी, इन्होंने क्या किया जी फिर मुझे अकेला कर कर जी, फिर 9 जुलाई को जी, 9 जुलाई को जी इन्होंने मतलब खाप के चौधरियों के इशारे पर जी मतलब बाहर से सुखविंदर सिपाही जो मतलब गुंडे पार्टी में जी ये पुलिस की दोस्त वाल दिखाया कर जी, बाहर से जी 20-25 गुंडे बुलाए जी, और इसकी बहन रीना के साथ मिलकर जी वो ट्रैक्टर ले आया जी बाहर से किराया कहाँ से ले आए जी, तो मेरी खड़ी फसल उजाड़ दी जी, ट्रांसफार्म तोड़ दिया जी, और मेरे पाइपलाइन तोड़ दी जी, मेरे समरसी बोर पर तो तोड़ दी जी पाइप भी जी, तो मेरे साथ आधा किला मेरा खड़ी जबैर का था जी वो हुआ कर दिया जी, इन्होंने आकर मेरे खेत पर कब्जा किया जी,
मैंने इसकी शिकायत जी SHO साहब को भी की जी, DSP साहब को भी की, SDM साहब को भी की, कैथल SP साहब को दो बार हम मिले जी, हमने DGP के पास भी इसकी शिकायत की जी, श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया जी। तो जी मारे जहाँ भी जाएं जी, ये सुखविंदर उन चीज़ों का फायदा ठहरा जी जो खापों ने मतलब उसको मतलब सरपंचों ने खापों के पता उन्होंने लिख के दे रखा जी, 150-200 आदमियों के लिख के दे रखा जी, उन्हें भाई हम तेरे साथ हाँ भाई, इसने तो बोले न्यू करा क्या इस चीज़ का फायदा उठाया गया जी, सारी जगह हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मैं प्रशासन से और मीडिया से यही करता हूँ कि भाई मेरे साथ न्याय किया जाए जी। और जी मतलब इसके बाद जी मैंने जी कभी भी जिंदगी में आज तक जी मेरे गांव में कोई शिकायत नहीं है जी, किसी भी प्रकार की जी, मतलब कोई लगाई चोरी का हो, कोई चोरी ठगी का हो, या कोई और कोई शिकायत हो, मैंने जी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ईमानदारी से तो काम किया है जी। कब किसी की बहू बेटी की कभी भी गाँव में जी कोई भी तकरार नहीं है जी। खून पसीना की कमाई कर एक एकड़ जमीन खरीदी थी, एक मेरी बहन ने खरीदी थी जी, फिर लेकिन वो खापे पंचायत में उसे अपनी वो भी जमीन छीनना चाहती है जी। देखो भाई जो परिवार जो रामिर है बताने लग रहा है कि भाई मेहनत करके ना मैंने जमीन खरीदी थी, लेकिन शायद पंचायतों को लेकर के पहली बार इतिहास में एक ऐसा फैसला लिया गया है, वो भी जमीनी विवाद को लेकर के, कि गांव में हुक्का पानी बंद कर देना एक परिवार का। देखो भाई किसी भी लड़की का को मेट्रो भाई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दिया, कोई और गलत काम कर दिया हो, किसी के साथ में और कुछ काम गलत किया हो, तो उस टाइम पर फैसला सुना कर दी पंचायत, ताकि समाज के अंदर बुरे लोगों के ऊपर लगाम कसी जावे। लेकिन भाई जमीनी विवाद ने लेकर ना जब परिवार या बात करने लग रहा कि हमारे पास सारे के सारे जो ये सबूत हैं कि भाई सबूत ले रहे हम, रजिस्ट्री के भी सबूत हैं, जो जिस टाइम पर जो गवाह थे उस चीज़ के भी सबूत है, उसके बावजूद भी लगभग 4-5 साल के बाद इस प्रकार का एक षड्यंत्र जो बताने लग रहा है मेरे कि षड्यंत्र रच करके इस परिवार के खिलाफ में एक तुगलक की जो फरमान है वो सुनाया जाता है। हालांकि जो खा पंचायतें हैं हमारी टीम उनसे भी एक बार बातचीत करने का हम प्रयास जरूर करेंगे कि आखिरकार उन्होंने इस प्रकार का फैसला क्यों लिया। देखो भाई मतलब उक्का पानी बंद करने के बाद इस परिवार के ऊपर के बीतरी है, खुद एक बार आप सुनो एक बार भाई जी। कितने दिन पहले मारा तो 4.5 महीने जी, 4 महीने हो गए, 29 मई 2023 के मारा का फैसला सुना के गया। क्या क्या परेशानी का सामना तो जी बस मरने के लिए मारा पता जी, ना तो कुछ चीज देंदा जी, दुकानदार दुकानदार नहीं देंदा जी, दूध भी के करता जी, दूध टवाई दिया जी मारा जी, मारे तो जी कहीं भी कोई डॉक्टर है जी, मेरी बूढ़ी माँ जी देखो जी आधी आधी रात बीमार हो जाए जी, इसको कैथल या क्लैथ लेके जाऊँ जी मैं जी, फिर भी इसने वहाँ कहाँ जाए जी, 2-3 मैच थी जी, 4 मैच थी जी मारे जी, 4 मैच समझ ला कर दी जी, हमने जी आधा आधा मोल बोल खाई जी, क्योंकि गाँव में तो लेता नहीं जी, दूध मारा बंद करा दिया जी। तो जी मैम वहाँ से 3-4 मैच अपनी आधा मोल लिखा दी जी हमने जी, और क्या करें जी। तो जी मारे पास तो इतनी बालों का दूध लिया करता जी, वो बंद करवा दिया, फिर मैम सरकार भी डायरी है जी उसमें लागे देन वो बंद करवा दिया जी, बता मैम परेशान होगा, मैं बाद मोल देनी पड़ी, घास मारे नहीं नाज मारे नहीं जी, मजबूरी में आकर देनी पड़ी। देख लो भाई यानी कि 8 गामा के साथ में देखो ये परिवार ना चाहते, इस टाइम पर पता चला भाई जो इनके खास हो आकर दे, जो इनके जमा मतलब दोस्त का आकर दे इस टाइम पर, वो भी पीछे हट गए भाई, क्योंकि पंचायत ने फैसला सुना दिया कि भी 8 गांव हैं जो वहाँ 8 गांव इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करेंगे भाई, इन्होंने अपनी जो भैंस है वो बेचनी पड़ी, इनके पास जो दूध दिया कर दिया ये ले आकर दे दूध, यानी कि लेना भी और देना भी दोनों तरीके से बंद कर दिया भाई। दुकानदार के पास यदि सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार इनको सामान नहीं देता, सामान दे दिया नहीं तेरला काम मारा गला करेंगे, अच्छा उनको भी डर है, उनको भी डर है जी, सभी डरा रखे हैं जी, अगर कोई हमारे साथ बोल रहा है भाई जो को उस काम राम मेरे गला कर दिया नहीं, फिर वही काम तेरा गला कराएंगे जी, अगर तुमने इस गला लेना देना कर लिया किसी प्रकार का भी। बिल्कुल भाई, राम मेरे की माँ है, कितनी उम्र होगी ताई जी?
बेटा मेरा नहीं हो गई होगी मेरे तो अस्सी तो है आपने आज से पहले कोई देखा ही इस प्रकार का सुने भी कोई नहीं मन तो ही हो आड़े सुने भी आड़े देखे हम तो तैयार भी नहीं हो गए चाहे तो भगवान जाने चाहे तो उरे सारे के सारे उरे बैठे रहे कर दे बात करे कर दे और वो सारे परिवार बीमार है उरे रहे कर दे जी न्यू का यह चीज लेनी है भाई यह चीज देनी है हमने यू बेरा कौन था जी मारा गले यहाँ भी बनेगी यू तो टाइम तक जमा बेरे नहीं भगवान ने कुकर मारी कढ़ाई चढ़ाई है कि मारा कोई मनुष्य न मारन खतर चढ़ाई मारा तो परिवार पूरा सलमा में है 20 दिन नहीं थी और रोटी पोई भाई और गोला का ऊपर मनीष की बहू ना मनीष की सासू ना मनीष की साली बोली जे एक बार भी उड़ा है जल इकड़े नहीं देंगे एक बार भी खेत में जय जयती थी लिकड़े नहीं देंगे कैद कराओगे आके खेत तो मामा में नहीं खेत में गए भाई हम तो अपने घर पड़े हैं जी सारा टाबर में जी इतनी दहशत हो रही है जी मां ने तो जी मां बाहर लिकड़ देने मीटर लग गया जी कलायत जावा जी कलायत भी आदमी गुंडे पै जाए जी खेत में जावा जी रगाई सोरी बेटी पावा जी शहर में जावा जी ओड़ा भी पाचा मोटरसाइकिल ले लिया जी मारा ये नहीं जी जो मेरी सिस्टर का जी जो रेड़ा माधरा ब्याह रखी है जी जिसने एक किला जमीन उसने खरीद लिया रखा जी उनके साथ भी यही काम हो रहा जी हाँ जी वहां पर भी जी पंचायतों का दौर अभी शुरू कर दिया जी यही काम जो हमारे साथ किया है ना जी खापो ने अब उधर भी पंचायतों का रवैया कर चला रहे हैं जी भाई उड़ा भी खाप के पंचायत कराएंगे जी वहीं पर भी जी जो मार उनको भी इतनी दहशत हो रही है जी भाई तेरे साथ भी यही बहिष्कार वाला काम करांगे और तेरे अगले न्यू करांगे इतना डराव हो रहा है जी अगर मेरे परिवार या मेरी बहन के परिवार के साथ अब कोई भी किसी भी समय जी कोई भी घटना घट सकती है जी हमारे साथ जी कुपुइयों भी जी इसके जिम्मेदार जी सुखविंदर सिपाही पेगा वाला जी उसकी मनीष की पत्नी रीना देवी जी और बाड़ू खाप के चौधरी और थुआ खाप के चौधरी जी इसके ये जिम्मेदार होंगे जी अगर हमारे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी घटना है मेरी बहन के परिवार के साथ कभी भी घट सकती है जी वो भी इतने सदमे में जी जो दौर पहले पंचायतों का मेरे साथ खेला गया है ना जी वही दौर उनके साथ भी खेलने जा रहे हैं जी वो पंचायतें का दौर जी तो जी मैं देखो जी परिवार भाई देखो सदमा में है घर से बाहर नहीं निकल रहा और भाई कई कई दिन हो जाए ना रोटी रोटी खाए भी देखो भाई जो बीत रही है वो इनके ऊपर बीत रही है भाई और ये इसकी जो बहन है भाई इसकी बहन ने और इसने मिलकर ना जो 2 एकड़ जो जमीन ली थी अब जो ये बताने लग रहा है भाई जो खाप पंचायत के कुछ जो प्रधान है वो अब सोच रहे हैं कि इसकी बहन के साथ भी वही फैसला सुना जाए जो इसके साथ में सुना गया। देखो भाई मतलब जिसके लग गए वो जग गए भाई इस परिवार ने बेरा है आज इस परिवार के ऊपर के भी त्री है। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था भी है संविधान भी है कोर्ट भी है उससे बढ़ करके कई बार जो खाप पंचायतें हैं वो अपना जो फैसला है वो सुनाती है लेकिन वो उसके बाद नहीं पता चलता भी इस परिवार के बाद। देखो भाई इस परिवार पर के भी त्री है जी इनका जो बेटा है भाई सुनन माथा इनका बेटा भी यहाँ नहीं आ रहा बेटा कहाँ जी बाहर रहा है जी तुम मेरा भाभी कुछ नहीं कुछ और नहीं करते जोड़ा जी तो जी इन्होंने मतलब देख आप पंचायतें हैं नहीं जी मतलब ये नहीं सोचते भाई कौन आदमी किसा जी मतलब देख निर्दोष को तो सजा देते हैं जी और दोषी को निर्दोष बना देते हैं जी। देखो जी इतना षड्यंत्रकारी जी जो मनीष ये जी ये जो सुखविंदर है जाने जो पुलिस वाला जी पुलिस की दोस्त दी दो पुलिस का रोब दिखा कर बार बार जी ये देखो जी जी बिल्कुल ये देखो भाई जो इनका कमेंट है इनका जो ऑफ कैमरा भी इन्होंने बताई थी मनीष की मृत्यु कब होली थी दिसंबर 2017 में जी दिसंबर 2017 में मनीष की मृत्यु होगी थी लेकिन उसके बाद भाई 2023 में उनके नाम का एफिडेविट कि इन्होंने ये किसने बनाया सुखविंदर और सुखविंदर की बहन रीना ने जी उन्होंने बनवाया जी ठेकेदार के साथ मिलकर कई लाख रुपए की मिट्टी उठाई उस जमीन को छोड़कर फिर मारी जमीन पर आकर कब्जा कर लिया जी इतना षड्यंत्रकारी जी जो मतलब पुलिस का देखो जी ये देखो जो मतलब एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जो हमारे रक्षक होते हुए बक्सक बन रहे हैं जी अब देखो जी पुलिस वाला मतलब इतना गलत काम कर रहा है जी अगर ये काम जी हमने किसी में और ने भी किया हमने या तुमने और किसी ने किया होता इतनी आड़ में तो जी न्यू नहीं पता प्रशासन उस पर कितनी धारा लगा देता जी
लेकिन एक ही पुलिस वाला एक लेकिन ये पुलिस वाला की तरफ आपके गांव का सरपंच है, आपने उनसे बात की, वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं जी, अब मान तो किसी वाला बात तो करने जोगे को नहीं रही जी, मारे गला तो बोलते को नहीं जोगो, मान तो जी देख किसी वाला बोलना जी बोलते को नहीं, सट्टा क्या लिखित दे जी मारे साथ तो को बात तो नहीं करता जी। अच्छा, ये सरपंच भी हुआ कई करा जी, हम किसी पास जाए व्यक्ति से बातचीत जो आपके आपके जानकार थे जो दुख सुख में आपके साथ खड़े होते थे? कोई नहीं जी, ना जी कोई नहीं जी, मारा नहीं जी कोई भी, मामने नहीं जी को प्रसाद भी देंदे, बट्टी भी नहीं देंदे जी, जब बुखार चढ़ जाए भाई बाज कर तो बट्टी ले आ, डॉक्टर भी जवाब दे वाले जी सब कुछ। आपके गांव के ही जो आपके दुख सुख के साथी जिनके आप काम आया कर दे, वो वादा करया कर दे हम दुख सुख में तेरे गिल खड़े रहेंगे, कोई नहीं पाया जमा, एक आदमी नहीं पाया जी, एक आदमी भी तो एक आदमी भी भाई आया भाई क्या बात कह दे न्यू कह दे भाई, कोई बात नहीं, मेरे को कोई देर दिलासा नहीं देने जी, आप मीडिया लोग आ रहे हो जी मेरे को देर दिलासा देने नहीं, मेरे को गाँव में से जी कोई भी आदमी न्यू कहने आया भाई कोई बात नहीं ऐसी बात, हम तेरा गला खड़े हैं जी, लेकिन मेरे साथ मेरे गला खड़े होने नहीं पाया जी को गाँव में। देखो भाई ये दुखद तस्वीरें हैं जिस परिवार के साथ में, देखो जो होने लग रहा है भाई, देखो कानून प्रक्रिया के ऊपर चले है भाई, ये परिवार अपना बेटा का नेम खाकर ने कसम खाकर ने बात करने लग रहा है, ये परिवार ने पंचायत में भी कहे भाई अपने 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 बेटे के ऊपर टेक दिया था कि भी अपना इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कहने लग रहे हैं कि वो जमीन खरीदी है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई बेईमानना नहीं था, कोई बेईमानना नहीं था जी, इस तरह मैं एक लड़का जी मैं उससे और मैं क्या कहकर काम करूँ जी, अगर मैं जो उसके उसके भी झूठी कसम खाऊंगा जी, मना इस जगह क्या करना है जी, इसी चीज का क्या करना है जी, जो अगर मेरे लड़का के झूठा नेम खाऊंगा जी, मेरे हमारा तो जी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पैसे देकर रजिस्ट्री करिए, पूरे पैसे जा चुके हैं जमीन के जी, तो जी मैं प्रशासन से और मीडिया से हाथ जोड़कर यही आवेदन करता हूं कि भाई मेरे जो जमीन पर से कब्जा हटाया जाए, और जो सुखविंदर सिपाही जो पुलिस की दोस्त बार बार दिखा रहा है जी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मीडिया से और प्रशासन से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारे पास तो औरतों को सहारा नहीं रहा भाई, मैंने तो तय तो मरना पड़ेगा और से काम छोड़कर जाना पड़ेगा जी, और तो जी हमारे पास और कोई नहीं है। रखो जी ना जी, आप क्या अपील करेंगे हरियाणा सरकार से, शासन प्रशासन से? देखो जी इतना तो मैंने बोलना नहीं आता, मैं तो लिखी पढ़ी नहीं जी जी, फिर भी आप अपने उस हिसाब से माम को न्याय मिले, माम को न्याय मिले जी, बस इतना ही चाहूं बस, जो सुखमंदर है जी जो इसको सजा दी जाए, हमारी जमीन तक कब्जा हटाया जाए, हमारी साफ जमीन दे जो हमारी निकले कई कई दिन हम तो कई कई दिन के दिए, हम तो हमने तो चौथा महीना लग गया, हमने बाहर नहीं देखा था कई चीजा जता करके गए थे, आए माँ के करूँ, आए रीब के करा, आए माँ के करूँ, बस और दूसरा मारा टप्पे ना तारे से कोई मिलने आ रहा काम का ना जी। एक रूंग भी नहीं, जो लेना देना था वो भी फोन में, भाई मेरे इतने पीछे पंचायत दियो, भाई मेरे इतने दे दियो। अच्छा। और उत्ती भी फोन में बुलाया कह दे कोई लेन भी नहीं आया ना हमारे देना आया। देखो भाई एक डर और दहशत का माहौल है भाई गांव के अंदर, यदि कोई भी गांव का व्यक्ति इनके साथ यदि बोलता है तो उनको इस प्रकार का डर है भाई, कह दे उनका भी होका पानी बंद कर दे। देखो भाई आज के टाइम पर है जब हम विश्वास करते हैं कानून व्यवस्था और संविधान के ऊपर है, जब पूरी प्रक्रिया हम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बावजूद भी आज के टाइम पर इस प्रकार से खाप पंचायतों का फरमान सुनाना, भाई देखो एक व्यक्ति की गलती हो सकती है या उसकी सजा पूरे परिवार की नहीं होनी चाहिए भाई। देखो चल मान ले तो जांच का विषय है, हालांकि क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने, जो फैसला है भाई प्रशासन ने जो भी जानकारी करी उसमें इन्होंने अपनी इनकम दिखा दी सारी, कि भी इन्होंने इतनी इस प्रकार से मेहनत करके इतने लाख रुपये कमाए उसके बावजूद इन्होंने जमीन ली। देखो भाई गलती यदि एक इंसान से होती है तो उसको एक इंसान को ही सजा मिलती है, कोर्ट उसी एक इंसान को, यदि ये फैसला यदि कोर्ट में जाता और यदि भाई बाई चांस यदि गड़बड़े भी होती तो केवल एक व्यक्ति को सजा मिलती ना कि पूरे परिवार को। यहाँ पर खा पंचायतों की सबसे जो बड़ा जो निर्णय लिया है भाई गलती है या जो निर्णय है, देखो भाई हम गलत खाप पंचायतों का मतलब हमारा उद्देश्य नहीं है भाई हम खाप पंचायतों को गलत कहें, लेकिन खाप पंचायतों की जिम्मेदारी इतनी बनती है कि भाई किसी भी कांड को लेकर के किसी भी यदि बात को लेकर के उस
का पूरा परिवार जिम्मेदार नहीं होता भाई। इस बूढ़ी बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है भाई? इसने तो जमीन नहीं ली है। इस महिला का क्या कसूर है? न इसने जमीन ली है। इनके बेटे का क्या कसूर है? न उसने जमीन ली है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो मतलब दुख है, वो दुख ये भी सहन कर रही है, इनका जो बेटा है वो भी सहन कर रहा है भाई। डांगर डोर यानी कि इनके जो पशु है उन्होंने भी उसको सहन किया। क्या कह रहे थे दादी जी? मेरा जी एक बड़ा बेटा है, एक मेरा बेटा भी है, एक मेरा पोता भी है, मेरी बहू भी है, मेरी पोते की बहू भी है। मारा कोई नहीं, मारा वो भी नहीं आंदे। जमा न्यू भी नहीं पूछा था रगले के बनी रिमा तो मेरे घर नहीं आ जा, कोई मारा घर में पैर नहीं धर के देखे। यानी कि आपका बेटा खुद आपको भी नहीं लेने आया? बेटा का बहू का पोता का पोता की बहू हमने न्यू भी नहीं जान दी भाई। मर रही है, मरेगी जी कुत्ते लाए देंगे को पुकन तो को जावा को। बिल्कुल लाल हो रहा जी महाराज, तो ये बोल रहा था लेकिन ना का भी दुर्बल हो रहा जी। हम तो रहा था जी महाराज तो जी कई कई बार मतलब कई कई दस आप खुद संभाल ला लो जी। आप पत्रकार मीडिया 4.5 महीने हो गए जी, हम आपके पास भी नहीं आने पा रहे थे इतने खोप में थे। बिल्कुल देखो भाई, हमने भी जब सोशल मीडिया पर वीडियो देखी तो इसकी जो असल जो जांच पड़ताल करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। देखो भाई, हम तो एक बात का भाई, इंसानियत और मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए कभी भी। बहुत कम लोग हैं, विरले लोग हैं जो इस दुनिया में सच्चाई न सच्चाई कहते हैं, झूठ न झूठ कहते हैं कि भैया झूठी बात है और यह सच्ची बात है। देखो भाई, सच्चाई कहनी चाहिए। लेकिन मेरी जहाँ तक का जो हमारा नॉलेज है भाई, इस बूढ़ी माँ का, इस बूढ़ी ताई का कोई कसूर नहीं है भाई, जिसकी सजाए मिलने लग रही है। आप बताएं जी, आपको क्या क्या परेशानी अब तक हुई है जी? सब कुछ परेशानी हुई है जी, जी। माम तो बाहर गाड़ में भी खट्टी देखा जी, इतना डर बैठे हमारे। जो बाहर जावा मैं सियांदोरा जाऊं जी, बुढ़िया ने लेकर जाऊं मैं, इसी ने जी मैं कल्ली बिक जाऊंगी, इतना बह बैठ रहे हमारे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चलो भाई, वीडियो फिलहाल देख लिए भाई, और जो भी देखो हमारी वीडियो को भाई, पंचायती खाप पंचायत भी हमारे साथ जुड़ रही है भाई, और अनेकों जो खाप पंचायत हरियाणा के जो प्रधान हैं वो हमें भी जानते हैं भाई, वो लोग भी मर्यादित भाषा में अपनी राय रखे। और जो साथी देखो भाई, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं इस हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर बहुत कुछ देखा है उन्होंने अपनी उम्र के अंदर, बहुत बड़े बड़े कांड भी देखे हैं। लेकिन भाई इस प्रकार जो परिवार के साथ में जो बीत रही इन्होंने अपने आप बताई है, इसको लेकर के आपने अपनी मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है। और किसी भी साथी के पास ये दिन का कोई समाधान है, देखो भाई जो हो गया वो तो गुजर गया भाई, जो बीत गया तो चला गया वो तो, लेकिन इस परिवार के साथ में यदि कुछ अच्छा यदि हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। पर्सनल हमारा नंबर भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप हमारे पास फोन मिला सकते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजा के साथ चौसाड़ा गाँव से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।